सर आप ये पूछा जाए कि भाई आप बताइए कि देश में आज़ादी से पहले, संविधान के आने से पहले कितने हमारे सक्षम अधिकारी थे, कितने मंत्री थे, कितने हमारे जो आज एक अच्छी पोजीशन हासिल किए हुए हैं। इवन देन मैं तो ये कहूँगा हमारे देश के पास कितने एटॉमिक बम थे पहले, देश तो पहले भी था जी, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखें तो जो आप मतलब देश की अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप इसकी मतलब आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे कि जो व्यवस्था इस देश में थी वो एक मानव कल्याण व्यवस्था नहीं थी। सही मायने में मानव कल्याण व्यवस्था तो देश में बाबा साहब के संविधान के द्वारा स्थापित हुई है। बालाग्राम जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। बालाग्राम जी, बाबा साहब का 6 तारीख को परिनिर्वाण दिवस है और बहुजन समाज जिसे 85% बोला जाता है और वो देश के अंदर उनकी रैलियां बहुत बड़ी होती हैं, संगठन बड़े होते हैं, उनकी मूवमेंट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम पर कोई भी 6 तारीख को इतने दल बल के साथ नहीं पहुँचता है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप समाज के लोगों को? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने उस महान शख्सियत के लिए कि परिनिर्वाण दिवस के लिए एक मुहिम चलाई है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो इस समाज के लिए काम किया है, इस देश के लिए जो काम किया है, वो एक ऐसा उन्होंने कार्य किया है कि जो आज तक किसी महापुरुष ने नहीं किया। जैसा कि आप देखेंगे कि अभी आपने दो दिन पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस का एक कार्यक्रम सरकार के द्वारा भी, विभिन्न संगठनों के द्वारा भी मनाया गया। आप देखेंगे कि देश की अगर 50% आबादी महिला है, जो देश में महिलाएं हैं, सही मायने में महिला की आज़ादी के लिए काम किया तो बाबा साहब ने किया है जी। आप देखेंगे देश में का जो एक बहुत बड़ा तबका मजदूर तबका है, अगर मजदूरों की आज़ादी के लिए काम किया तो बाबा साहब ने किया है। और देश के आप देखेंगे युवाओं के लिए, बाल अवस्था मतलब बच्चों के लिए, अगर बच्चों की आज़ादी के लिए, अगर बच्चों की आज़ादी की स्वतंत्रता जो दी है वो अगर आप देखें तो बाबा साहब ने दिया है। और बाबा साहब ने काम ही किया है, काम के साथ साथ संविधान के माध्यम से एक लिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया इस देश में और एक ऐतिहासिक ग्रंथ दिया है जिससे एक देश चलता है। और मैं ये कहूँगा जो अभी आपने बात कही कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के बारे में, देश के सभी मतलब चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अपने परिवार के साथ आगामी 6 दिसंबर को दिल्ली की पार्लियामेंट में सरकार एक व्यवस्था करती है तो वहाँ पे पुष्पांजलि करने के लिए बाबा साहब की प्रतिमा पर जरूर जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं। और शाम को दिल्ली के 26 अलीपुर रोड में जो जहाँ पे बाबा साहब ने एक अंतिम सांस ली, वहाँ पे एक मोमबत्ती कैंडल के साथ, एक मोमबत्ती अपने परिवार के साथ ले जाकर जरूर बाबा साहब को पुष्पांजलि दें। क्योंकि बाबा साहब के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर, हम उनके उपकारों से हम आजीवन कर्ज में रहेंगे, हम उस कर्ज मुक्त नहीं हो सकते हैं, परंतु बाबा साहब के द्वारा बताए हुए रास्ते पर हम चल के उनके जो उन्होंने जो हमें इस देश में एक व्यवस्था के लिए, हमें एक मानव कल्याण के लिए एक व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को अपना के हम इस देश को जरूर खुशहाल बना सकते हैं। आप उपकार की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं कि मैं अपनी तरफ से पढ़ा हूँ, अपनी तरफ से सब काम कर रहा हूँ, तो इसमें बाबा साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब हम लोग जाते हैं तो इस तरीके के लोगों से मुलाकात होती है, कहते बाबा साहब ने क्या करा है, हम लोग तो अपनी क्षमता से कर रहे हैं, काम मैं कर रहा हूँ, मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो कौन सी उपलब्धियाँ आप बताएंगे बाबा साहब की जिनकी वजह से आज इसको लगता है कि समाज का लिए बाबा साहब ने ये कार्य करा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं इसमें एक स्पष्ट उदाहरण के साथ बताना चाहूँगा। आप देखेंगे कि देश आज़ाद होने से पहले और 26 नवंबर 1949 से पहले इस देश में एक मनुस्मृति की एक व्यवस्था स्थापित थी। मनुस्मृति में आप देखेंगे कि देश की महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था। आप देखें कि सरस्वती जो के जो जैसा कि ये लोग कहते हैं, जो लोग कहते हैं, जो बाबा साहब के जो एक विरोधाभास में जो एक वक्तव्य जाहिर करते हैं, अगर आप देखें कि उनसे आप ये पूछा जाए कि भाई आप बताइए कि देश में आज़ादी से पहले, संविधान के आने से पहले कितने हमारे सक्षम अधिकारी थे, कितने मंत्री थे, कितने हमारे जो आज एक अच्छी पोजीशन हासिल किए हुए हैं, इवन देन मैं तो ये कहूँगा हमारे देश के पास कितने एटॉमिक बम थे पहले, देश तो पहले भी था जी, ठीक है। बेसिकली अगर आप देखें तो जो आप मतलब देश की अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप इसकी मतलब आज़ादी के बाद अगर आप देखेंगे कि जो व्यवस्था इस देश में थी वो एक मानव कल्याण व्यवस्था नहीं थी। सही मायने में मानव कल्याण व्यवस्था तो देश में बाबा साहब के संविधान के द्वारा स्थापित हुई है। और कुछ लोगों का जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो विरोधाभास या ऐसी बात कहते हैं, इवन देन कुछ लोगों का तो ये भी कहना होता है कि भाई बाबा साहब ने संविधान में और देशों से कर लिया, लेकिन मेरा कहना ही बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा नहीं है, बाबा साहब ने अगर संविधान में दिया तो बुद्ध से दिया है,
जी। आप देखेंगे संविधान में एक समानता का अधिकार दिया है जी जी। तो सबसे पहले देश में बुद्ध ने स्थापित किया ठीक है। तो बाबा साहब ने तो इस देश की संस्कृति को स्थापित किया है। सो काल जो यहाँ के मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं जो बाबा साहब को अपना विरोधी मानते हैं उनको तो बाबा साहब का एहसान मंद होना चाहिए कि बाबा साहब ने इस देश में एक यहाँ की देश की इस संस्कृति को बिल्कुल मतलब जो एक मानवता कल्याणी संस्कृति थी उसको स्थापित किया है जी। बहुत खूबसूरत आपने बताया कि जो इस देश को एक निर्माण के रूप में कार्य करा वो बाबा साहब ने का कार्य करा, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया। और सोचना चाहिए बहुजन समाज के उन लोगों को जो कहते हैं कि हमें तो कुछ बाबा साहब ने नहीं दिया है, अगर वो थोड़ा सा भी याद करें अपने इतिहास को तो उनके पूर्वज जो थे वो मनुस्मृति के तरीके से चलते थे। उनको ज़मीन पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, ना ही उनके बाल तक नहीं काटता था, शिक्षा उनको बहुत दूर बैठ के दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो जिन्होंने दिलवाई हैं जी जी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बीच में जी, जो आपने अभी कहा कि बाबा साहब के, देखिए बाबा साहब का एक जो संविधान के माध्यम से जो उन्होंने एक अधिकार दिए जी, अभी लास्ट यानी इसी ईयर का जो है जो उत्तर प्रदेश PCSJ का जो रिजल्ट आया है उसमें 610 वैकेंसीज थी टोटल जी। 610 में 315 महिलाएं जीत के आई हैं जी, जी? तो 315 का मतलब जहाँ तो देखिए इस देश की पार्लियामेंट 33% आरक्षण देने में उनको नहीं दे पा रही है ठीक है। ये सब एक बाबा साहब की देन है कि उन्होंने एक शिक्षा का रास्ता महिलाओं के लिए खोला और वो महिलाएं शिक्षा के 33% नहीं 50% से भी अबाव। और जुडिशरी जैसा स्तंभ जो कि देश का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, ऐसे स्तंभ में मतलब 610 में से 315 महिलाएं जुडिशरी में निकल आ रही हैं। तो ये श्रेय ज़्यादा थी बाबा साहब अम्बेडकर को। हाँ जी, कितनी खूबसूरत बात लगे हाथों बता दी बालागम जी ने। और ये लोगों को समझना पड़ेगा जो लोग आज बाबा साहब के लिए सोचते हैं कि लोग अपनी जातियाँ तक छुपाते हैं और वो सोचते हैं कि उनके जिस ऑफिस में वो काम करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये जाति उस व्यक्ति की है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये जातियाँ आपके आने से पहले, ऑफिस में आने से पहले सरकारी विभाग से आपसे पहले पहुँच जाती हैं कि फलानी जाति का आदमी फलाने ऑफिस में पहुँच रहा है। तो इसलिए आपको अपनी जाति नहीं छुपानी चाहिए। आज बहुत सारे लोग खुलकर अपनी बात को रखते हैं और बहुजन समाज को कोई ऐसा कार्य नहीं है जो वो लोग नहीं करते हैं। बालग्राम जी, आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।